नमस्कार, वेलकम टू चैनल ऑफ अचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे एसडीआर के बारे में। एसडीआर का मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं वो एक तरह का इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का एक फंक्शन है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले थे, तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले उसका मीनिंग जान लेते हैं कि एसडीआर क्या है। एसडीआर इज एन इंटरनेशनल असेट्स क्रिएटेड बाय द आईएमएफ इन 1969 1969 में एक इंटरनेशनल असेट्स क्रिएट किया था जिसका नाम था एसडीआर। एसडीआर वाज एलोकेटेड टू द मेंबर्स कंट्रीज टू इन द प्रोपोर्शंस ऑफ देयर आईएमएफ कोटा, यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अंदर उनका जितना कोटा बनता है उसके हिसाब से उनको स्पेशल ड्राइंग राइट्स दिए जाते हैं कि उतना उसका प्रपोजल्स होता है, यानी जितना उसके पास हर एक कंट्री को क्या करना पड़ता है कि एक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अंदर एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। अब जो कंट्री जितना पैसा अपना रिजर्व में डालेगी उसके फिक्स परसेंटेज होते हैं, वो परसेंटेज आप उसमें राइट्स मिलते हैं आपको अदर करेंसी विड्रॉ करने की, जिसे हम कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो उनका कोटा डिसाइड किया जाता है उसके प्रपोजल के हिसाब से। तो इट्स क्या होता है, इट्स अ वैल्यू बेस्ड ऑन द बास्केट ऑफ द की इंटरनेशनल करेंसीज। जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल करेंसीज जो है उसका एक बास्केट है, यानी कि जहाँ वहाँ पे सारे करेंसीज इकट्ठा होगी। The SDR was then created by IMF. International Monetary Fund ने इसको क्रिएट किया था 1969. क्यों किया था? To support the Bretton Woods Fixed Exchange System. आपने सीखा होगा Bretton Woods System क्या है। हमारे अगले वीडियो में आगे जो वीडियो है उसके अंदर Bretton Woods System का एक वीडियो है, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो एक बार देख लीजिएगा। तो ये जो हमारे Bretton Woods System था उसको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने शुरू किया था। बाटन वुड सिस्टम ये था कि गोल्ड की अगेंस्ट में जो अपनी करेंसीज को मेजर करना था उसे बाटन वुड सिस्टम कहते हैं। तो वो सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने किया था। हावेवर ऑन द फ्यू इयर्स लेटर, थोड़े सालों के बाद बाटन वुड सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया और मेजर करेंसीज शिफ्टेड टू फ्लोटिंग एक्सचेंज, और बहुत सारी कंट्री ने अपना फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम एप्लीकेबल कर दिया बाटन वुड की जगह। तो हुआ क्या, मोर ओवर द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू बोरो द रेप्यूटेड गवर्नमेंट। अलग अलग रेप्यूटेड गवर्नमेंट से पैसा बोरो करने के लिए इनका इंटरनेशनल मार्केट ऐसा ग्रो हो गया। बिकॉज ऑफ दिस इसके कारण क्या हुआ, नीड ऑफ एसडीआर हैज बीन रिड्यूस। एसडीआर की जरूरत कम पड़ने लगी, इन स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो बाटन वुड के टाइम पे एस्टैब्लिश किया था उसकी जरूरत कम पड़ने लगी। तो इसकी वजह से हुआ क्या, टुडे द एसडीआर हैज एन ओनली लिमिटेड यूज। आज उसका यूज जो है बहुत कम है। किस तरह से, एज अ रिजर्व असेट्स एंड द मेन फंक्शन इज टू सर्व इन द यूनिट्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द आईएमएफ। आईएमएफ की जो यूनिट्स है उसको सर्व करने के लिए इसका मेन फंक्शन बच गया है। एंड दिस सम अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी एज ए यूनिट्स वो काम करता है। द एससीआर इज नाइदर अ करेंसी नॉर अ क्लेम ऑफ द आईएमएफ। कोई दावा नहीं है या फिर कोई करेंसी नहीं है। इट इज एन पोटेंशियल क्लेम ऑन द फ्रीली यूजेबल करेंसी ऑफ द आईएमएफ मेंबर्स। उसके मेंबर्स जो है वो करेंसी को इंटरनेशनली यानी अपनी करेंसी से उसकी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। होल्डर ऑफ द एसडीआर कैन बी ऑब्टेन दिस करेंसीज इन एक्सचेंज ऑफ दैट एसडीआर इन द टू वे। वो अदर कंट्रीज की करेंसी, चाहे जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो रुपीज वहां पे है वो रुपीज के अगेंस्ट में उसको डॉलर चाहिए, पाउंड चाहिए, येन चाहिए, तो वो अपना रिजर्व चेंज करके सामने उतना अमाउंट ले सकते। तो ये दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट, थ्रू द अरेंजमेंट ऑफ द वॉलेंट्री एक्सचेंज बिटवीन द मेंबर्स। अंदर अंदर एक मेंबर दूसरे मेंबर के साथ भी ये अरेंजमेंट कर सकता है, ओके, जैसे कि वॉलेंट्री एक्सचेंज जिसे कहते हैं। दूसरा जो होता है जो है कि बाय द आईएमएफ डिजाइनिंग द मेंबर्स विद स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल पोजिशन, यानी एक्सटर्नल पोजिशन को यूज करने के बाद वो क्या करता है, टू परचेज द एसडीआर फ्रॉम द मेंबर्स विद द वीक एक्सटर्नल पोजिशन। यानी जो कंट्री की वीक एक्सटर्नल पोजिशन है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, वो स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल पोजीशन वाले बैंक बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कंट्रीज है उनसे वो पैसा लेता है। जस्ट लाइक हम कहते हैं हमारी करेंसी दे के उनकी करेंसी लेते हैं। अगर ऐसा होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर ये जो एक्सचेंज रेट बनता है इससे मॉडिफाई होता है, इससे भी उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो ये बहुत सारी करेंसीज को सपोर्ट करती है जब जाके ये होता है। नेक्स्ट, रोल ऑफ एसडीआर, इसका काम क्या है, इंटरनेशनल लिक्विडिटी मेंटेन करने के अंदर। तो एसडीआर का काम क्या है, फर्स्ट एसडीआर वॉज क्रिएटेड टू एजेस द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। इंटरनेशनल लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम थी 1971 के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एसडीआर की शुरुआत हुई थी। एंड दस एसडीआर सर्व्स टू पर्पस, उसके दो काम करते थे।
इज टू सर्व एंड सप्लीमेंट द एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल रिजर्व, जो अभी इंटरनेशनल रिजर्व है उसका एक सप्लीमेंट की तरह काम करना, एक पूरक चीज की तरह काम करना, या फिर टू सर्व एज अ प्रिंसिपल रिजर्व असेट्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम। जो इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम है उसका जो प्रिंसिपल रिजर्व यानी अलग अलग कंट्रीज की जो करेंसीज है उसको रिजर्व करना। तो उसके बाद जुलाई 1974 में एसडीआई वाज डीलिंग फ्रॉम द यूएस डॉलर। ऐसा होता था कि हर एक चीज को यूएस डॉलर में मेजर किया जाता था, कोई भी करेंसीज होती थी उसको डॉलर से कंसिडर किया जाता था, यानी हमारे देश की करेंसी हमें देनी है तो सामने हमें यूएस डॉलर ही मिलेंगे, ऐसी सिचुएशन थी बिफोर 1974। लेकिन 1974 जुलाई के अंदर क्या हुआ, इसको डीलिंग कर दिया यूएस डॉलर से, एंड द न्यू स्कीम वॉज डिवाइस अ रिजल्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ एसडीआर एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ करेंसी। यानी इसमें बहुत सारी करेंसीज ऐड कर दी गई, सिर्फ आपको डॉलर ही मिलेगा, ये गलत होगा। एसडीआर वॉज टू बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ द एक्सचेंज रेट ऑफ द 16 मेजर करेंसीज ऑफ द कंट्री होल्डिंग मोर देन 1% शेयर ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट। जो 16 मेजर करेंसीज के अंदर ऐड कर दी गई डॉलर के साथ, कौन सी करेंसीज ऐड कर दी गई, तो जो करेंसी जो भी कंट्री की जो करेंसी है वो वर्ल्ड एक्सपोर्ट का 1% से ज्यादा जो करेंसी में यूज होता है, यानी जो कंट्री का, जैसे कि इंडिया का अगर एक्सपोर्ट 1% वर्ल्ड एक्सपोर्ट का 1% से ज्यादा है तो वो 16 करेंसी में इंडियन रुपी भी आ जाएगी। यानी कोई कंट्री अगर पैसा लेना चाहे अपनी करेंसी के बदले में इंडियन रुपी चाहिए तो उसको मिल सकता है। तो इस तरह से ये 16 मेजर करेंसी इसके अंदर ऐड हो गई। आगे देखते हैं तो इसके अंदर एक एसडीआर जो वैल्यू थे डिटरमाइंड बाय द आईएमएफ बाय कलेक्टिंग द डेटा ऑफ द एक्सचेंज रेट ऑफ दिस 16 करेंसी। ये 16 कंट्रीज की जो करेंसी थी उसको अलग अलग जो एक्सचेंज रेट उसके मार्केट में चल रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में, उसमें से वो डेटा कलेक्ट कर दिए गए और उसके हिसाब से इसकी वैल्यूज डिसाइड की गई। द न्यू मेथड ऑफ वैल्यूइंग द एसडीआर हैज टू एडवांटेज। ये नई मेथड जो डॉलर को छोड़ के अदर 16 करेंसीज का जो था, इससे फायदे हुए, क्या फायदा होगा, दो एडवांटेज हो गए। एक, इट्स प्रोवाइड द रिलायबल यूनिट ऑफ अकाउंट, आपको रिलायबल डेटा मिल गया एज इट कंटेन्स नॉट ओनली डॉलर बट अदर 15 करेंसीज। आपको सिर्फ डॉलर ही मिलेगा ऐसा जरूरी, जैसे कि आपको एक चीज लाए कि आप जब भी पैसा दोगे, आप जब भी काम करोगे आपको बदले में सिर्फ खाना मिलेगा, तो उससे क्या होगा, आपका पेट भरने के बाद भी अगर कोई और चीज की जरूरत पड़ेगी तब भी आपको खाना ही मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तो वो किसी काम का नहीं रहता। तो यहाँ पे यही था कि जो कंट्री के साथ आप बिजनेस करना चाहते हो उसको उसकी लोकल करेंसी दे दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो डॉलर देने की वजह से आप उसकी लोकल करेंसी में उसका एक्सचेंज करो या फिर अदर कंट्रीज के एक्सचेंज करो तो वो बेटर रहता। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया कि अदर 15 करेंसी उसके अंदर ऐड कर दी। इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ एसडीआर। इससे क्या हुआ, एसडीआर के वैल्यूएशन में थोड़ा स्टेबिलिटी आ गया। एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस आर वाइप्ड आउट, इसके सकारात्मक और नकारात्मक जो असर थे उसकी वो निकल गई, एंड द स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ करेंसी और एक स्टैंडर्ड बास्केट रह गई। ग्रेजुअली एसडीआर मे ऑल्सो बी बिकम द मीडियम ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑन द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। और इसी तरह से क्या हो गया कि अदर करेंसीज में वो लोग इन्वेस्टमेंट भी करने लगे, जैसे कि आज भी चल रहा है कि बहुत सारे लोग अदर कंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर आप बैठे बैठे बहुत सारे लोग यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर भी काम कर रहे हैं। तो ये बात ऐसे कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर कंट्रीज एक दूसरे के मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने लगी, पैसा लगाने लगी। नेक्स्ट, जो संस्था थी जिसको पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ईरान, इराक, कुवैत एंड सऊदी अरेबिया, जिसे ओपीईसी कंट्रीज कहते हैं, हैज स्टार्टेड द कैलकुलेटिंग द ऑयल एक्सपोर्ट प्राइसेस इन द टर्म्स ऑफ एसडीआर रादर देन डॉलर। उन्होंने भी ये कर दिया कि उसको वो भी एसडीआर के कंटेन से यूज करने लगे और अगेंस्ट में डॉलर लेने की वजह से एसडीआर लगे, तो फ्यूचर में वो आईएमएफ से कोई भी पैसा चाहे वो कन्वर्ट करवा सकते थे एसडीआर की वजह से। सो इन दिस वे द एसडीआर हैज बिकम द कम आउट एज अ न्यू इंटरनेशनल मनी, एक इंटरनेशनल मनी की तरह काम में लग गया था। बट शुड बी नोटेड दैट, एक चीज नोट करने जैसी हो गई यहाँ पे, दैट द एसडीआर स्कीम हैज अ लिस्ट सक्सीड्स एंड मीटिंग्स ऑफ द हाई एक्सपेक्टेशन। ये उसकी हाई एक्सपेक्टेशन थी, उतना काफी हद तक ये कहा जा नहीं पाए। द वर्ल्ड इज स्टिल अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएस डॉलर। आज भी बहुत सारे बिजनेसेस जो बहुत सारी कंट्रीज अपना काम कर रही है और यूएस डॉलर में कर रही है, विच हैज टोटली डीलिंग फ्रॉम द वर्ल्ड,
और गोल्ड से उसको डीलिंग कर दिया गया, फिर भी वो डॉलर से काम करता। तो आज हमने ये डिस्कस किया स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है। तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आती है, हमारे चैनल आपको पसंद आती है, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे।